हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूली की बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी सब्जी। मूली हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत सी बीमारियों को ये कंट्रोल करता है, इसलिए हमें मूली का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इस रेसिपी को हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही कम मसालों में हम बनाकर इस रेसिपी को तैयार करेंगे। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। मूली की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए मैंने मूली को यहाँ पर छिलके हटा दिए हैं, छील लिया है और इस तरह से इनको पानी से धोकर साफ़ कर लिया है और इनकी कटिंग कर ली है। आप यहाँ पर इनको सर्कल शेप में भी कट कर सकते हैं। साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट किए हैं और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ बारीक चॉप कर ली हैं। यहाँ पर गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा। जीरा को हम हल्का सा भून लेंगे, अच्छे से हमारे जीरे भुन जाएं तो फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन। तो मैंने 2 से 3 लहसुन की कलियों को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहे तो यहाँ पर लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे प्याज और हरी मिर्च जो हमने बारीक कट करके रखी थी, इनको भी हम मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इन्हें भून लेंगे। हमें यहाँ पर प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही हम 1 मिनट भूनेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम कटी हुई मूली जिनको हमने इस तरह से कट करके रखा था। साथ ही यहाँ पर मैंने मूली के पत्ते भी कट करके डाल दिए हैं, क्योंकि कुछ पत्ते मूली के जो है वो सॉफ्ट थे तो मैंने उनको कट कर लिए हैं। अगर इससे ज़्यादा आपके पास मूली के पत्ते हैं और सॉफ्ट हैं तो आप उनको कट करके डाल सकते हैं। तो हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है मूली के साथ। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह से कट करके इनको भी डाल दिया है और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे और ढककर मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। मूली के सॉफ्ट होने तक हमें इसे पका लेना है। बीच बीच में आप 1 से 2 बार चला दीजिए, जब तक हमारी मूली सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसे पका लेना है। तो यहाँ हमारी जो मूली है अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली हुई है, 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर, साथ ही 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट हमारी इस रेसिपी में आता है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो इसकी जगह पर आप आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच डाल दीजिए, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक कर के लो फ्लेम पर पका लेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए, जिससे हमारे मसाले मूली के साथ अच्छे से मिल जाए और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट इसमें आ जाए। तो यहाँ 2 मिनट हो गए हैं, हमारी बहुत ही टेस्टी मूली की सब्ज़ी बनकर तैयार है। मूली हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो आप इस तरह से जब मूली की सब्जी बनाएंगे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप इस सब्जी को पूड़ी पराठा रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आज की आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।